हाय गाइज, वेलकम बैक टू चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर रिव्यू वीडियो। तो आज का प्रोडक्ट क्या है आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल पे। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क का एक न्यू लॉन्च प्रोडक्ट, जो मैं काफी एक्साइटेड हूँ आपके साथ रिव्यू शेयर करने के लिए। अगर आप इस रिव्यू को एंड तक देखते हो, अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो प्लीज आज का वीडियो एंड तक देखिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा विद बेल बटन, ताकि आप मेरे फ्यूचर वीडियोज को मिस ना कर सको। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो मेबलिन न्यूयॉर्क केम अप विथ न्यू प्रोडक्ट। दिस इज देयर मेबलिन फिट मी फ्रेश टिंट विथ SPF 50+ विटामिन सी। दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। बहुत ही प्यारा सा स्क्वीज बॉटल में आता है प्लास्टिक का, एंड ये 30 ml का प्रोडक्ट है गाइस। आपको मिलता है ओनली फॉर ₹399, बट आपको Amazon पे ऑफर में मिल जाएगा। मैंने इसको परचेज करा था ओनली फॉर ₹279, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है। एंड इसमें आपको स्किन केयर के साथ साथ मेकअप की खूबियाँ भी मिलता है, और स्पेशली इसमें जो SPF 50 है ना, डेली वेयर के लिए काफ़ी अच्छा है। कोई भी CC या BB क्रीम में आपको SPF 50 नहीं मिलेगा, उसमें 30 या 20 ही मिलता है। इसमें SPF 50 मिलता है, जो सन प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा है, और प्लस इसमें विटामिन सी मिलता है, जो आपकी स्किन को इवन करता है, इवन आउट करता है और आपकी स्किन को ब्राइट करता है। एंड गाइस, ये प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और स्पेशली डिजाइन फॉर सेंसिटिव स्किन। अगर आपका सेंसिटिव स्किन है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है, और ये नॉन कॉमेडोजेनिक है, जो कि आपके जो पोर्स को क्लॉक नहीं करता है। व्हाट नॉट गाइस, इसमें सारा कुछ खूबियाँ है जो डेली वेयर के लिए काफ़ी अच्छा है। एंड अगर आप डेली मेकअप वेयर करना नहीं पसंद करते हो, तो ये आपके पास होना ही चाहिए। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए लेट्स अप्लाई। सो आई ऑलरेडी प्रेप्ड माई स्किन एज यू कैन सी, और ऑब्वियस सी बात है, स्किन टिंट हो या फाउंडेशन हो, यू नीड टू प्रेप योर स्किन बिफोर अप्लाइंग द प्रोडक्ट। सो मैंने कर लिया है प्रेप, तो लेट्स ट्राई इट आउट। एंड आई एम इन द शेड 06, मैंने खुद से ही चूज़ करा, आई डोंट नो, मुझे लगा कि ये शेड ही आई थिंक मेरे स्किन टोन के साथ जाएगा। अगर ऐसा देखे तो लगता है कि स्किन टोन के साथ मैच कर जाएगा, एंड फिंगर क्रॉस्ड की कर जाए। आई लव द पैकेजिंग, लाइक ये बहुत प्यारा सा एक स्क्वीज बॉटल है, यू नीड टू स्क्वीज द प्रोडक्ट डायरेक्टली, स्क्वीज ना करके आई प्रेफर टू स्क्वीज ऑन माई हैंड, क्योंकि प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होना चाहिए। सो मैं अच्छे से इसको थोड़ा सा मेल्ट आउट कर रही हूँ, देन वाओ, इट्स सो लाइट वेट एंड ईजी टू ब्लेंड, जैसे कि उन्होंने मेंशन करा है, बहुत अच्छे तरीके से हाथों से ही ब्लेंड हो रहा है। यू डोंट नीड एनी ब्यूटी ब्लेंडर और अ ब्रश। ओह माय गॉड, डिड यू सी द डिफरेंस, मैंने बस थोड़ा सा ही लगाया है एंड जस्ट हाथों से ही ब्लेंड कर रही हूँ। इट्स लाइक अ क्रीम टेक्सचर, बहुत इजीली ये अच्छे से ब्लेंड हो रहा है हाथों से ही। आई काइंड ऑफ लाइक इट गाइज, ये नेचुरल कवरेज है, तो आप देख सकते हो मेरा जो ये डार्क स्पॉट्स है थोड़ा सा विजिबल है, ये अच्छे से हाथों से ब्लेंड हो रहा है, मुझे काफी मजा आ रहा है इसको हाथों से ब्लेंड करने के लिए। के स्किन को ना बहुत अच्छे तरीके से ब्राइटन अप कर रहा है, जो उन्होंने मेंशन कर रखा है। ये आपकी स्किन को फ्लेकी नहीं बनाता है, क्योंकि मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, में मॉइस्चर भी है, जो आपकी स्किन को ड्राई नहीं फील कराएगा। एंड दिस इज़ द कवरेज यू गेट, ये बहुत ही नेचुरल कवरेज है। देख सकते हो मेरा फोरहेड एंड मेरा फेस में डिफरेंस आप देख सकते हो, मेरी स्किन को एकदम से ब्राइटन अप कर दिया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। ये बिल्डेबल भी है, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने और एक बार लगाया तो कहीं एक क्रैक नहीं हो रहा है, केक ही नहीं लग रहा है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, मुझे फॉर्मूला काफ़ी अच्छा लगा। दिस इज़ लिटरली वेरी गुड स्किन टिंट आई एवर यूज्ड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्किन टिंट होते हैं ना, फर्स्ट तो आपके स्किन मैच के होते नहीं, प्लस अगर आप इसको बिल्डअप करने की कोशिश करोगे अगर कवरेज के लिए, वो एकदम केकी हो जाता है। ये बहुत ही प्यारा सा एक कवरेज दे रहा है, नेचुरल लग रहा है। आप अपने स्किन को रिस्पेक्ट करो जैसे भी है, अगर आपको आपके डार्क स्पॉट हाइड करने के लिए ना ये अगर परचेज कर रहे हो, तो ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस स्किन टिंट में ना आपके रियल स्किन टोन को आप यू नो कैसे एनहांस कर सकते हो,
कैसे अच्छा दिखा सकते हो, नेचुरल दिखा सकते हो, वही है. एंड दैट्स ऑल. मुझे काफ़ी अच्छा लगा. एंड आई डोंट वॉन्ट टू हाइड माई ब्लेमिसेस. ये ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है, फ्लॉलेस लग रहा है. लाइक सी, मैं अच्छे से अपने फोरहेड पे भी लगा लूँगी. तो देख सकते हो यहाँ पे मैं ये जो साइड है ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको लगा के डिफरेंस दिखा देती हूँ. अगर आपको लग रहा है कि और अच्छे से ब्लेंड करना है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो. लाइक सी द डिफरेंस. यहाँ आप देख सकते हो मैंने नहीं लगाया, तो यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा मेरा जो स्किन है ना वो बहुत ही डल लग रहा है, बट मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी. इधर तो आप देख सकते हो मेरा स्किन एकदम फ्लॉलेस लग रहा है. लाइक यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंस. ये प्रोडक्ट आपके रियल स्किन को रिस्पेक्ट करना सिखाएगा. लाइक ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, आई लव इट. सो दिस इज़ माई फुल फेस आफ्टर अप्लाइंग दिस स्किन टिंट. सो दिस इज़ द परफेक्ट प्रोडक्ट फॉर नो मेकअप मेकअप लुक डेज. अगर आपको यू नो नो फाउंडेशन मेकअप लुक भी करना चाहते हो तो दिस इज़ द परफेक्ट प्रोडक्ट. एंड आई थिंक मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फेस को ना सेट करके और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हो. इसके लिए थोड़ा सा यूज़ करूँगी ये फिटमी का ही ये लूज पाउडर. ये मुझे काफ़ी पसंद आता है. आई एम गोइंग टू अप्लाई अंडर ऑफ माई आईज लाइक दिस एरिया, क्योंकि ये एरिया ना थोड़ा सा हमेशा डल दिखता है कभी कभी. तो अगर आप इसे नो मेकअप मेकअप लुक कर रहे हो तो अगर आपका जो आइज़ के नीचे थोड़ा सा डार्क सर्कल है तो आप इस पाउडर को सिंपली अप्लाई कर सकते हो एंड आपके फेस को थोड़ा सा इन्हांस कर सकते हो. सो एज यू कैन सी अभी मेरा फेस थोड़ा सा अच्छा लग रहा है. एंड कम ऑन गाइज, ऐसा कोई भी मेकअप अभी तक निकला नहीं जो आपकी स्किन के टेक्सचर को छुपा दे. वो फ़ोन का कैमरा होता है या फिर फिल्टर होता है जो बहुत ही स्मूथ लगता है. एंड वी हैव स्किन टेक्सचर, तो उसको छुपाया नहीं जा सकता है. तो ये जो फाउंडेशन है ना, ये फाउंडेशन में नहीं स्किन टिंट है, उसी को फोकस किया है कि रेस्पेक्ट योर स्किन टेक्सचर और उसी को ही ब्राइटन अप कैसे कर सकते हो, थोड़ा एनहांस कैसे कर सकते हो, इसी के लिए ही ये स्किन टिंट है. अगर आप हमेशा ना फुल कवरेज फाउंडेशन लगाना पसंद करते हो, ब्लेमिशेस को छुपाना पसंद करते हो, तो ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है. ये नेचुरल फिनिश देता है और ये डेली मेकअप के लिए काफ़ी अच्छा है. अगर आपका स्किन ऑलरेडी फ्लॉलेस है तो उसको एनहांस भी कर सकते हो उसको यूज़ करके. एंड ये देख सकते हो थोड़ा सा पाउडर सेट करने के बाद ना फेस काफ़ी अच्छा लग रहा है. तो लेट मी अप्लाई सम ब्लश एंड ऑल, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है फुल मेकअप. सो दिस इज़ माई फुल मेकअप यू गाइज. आई लव दिस स्किन टिंट सो सो मच. ये बहुत ही नेचुरल कवरेज देता है. अगर आप पाउडर सेट कर लेते हो ना तो आपका स्किन और ज़्यादा फ्लॉलेस लगता है. आई डोंट थिंक इसी प्रोडक्ट में, मेकअप प्रोडक्ट में इतने सारे स्किन केयर यू नो बेनिफिट मिलता होगा. इसमें सब कुछ है. अगर आप बीबी सी क्रीम लगा रहे हो तो आप रिप्लेस कर सकते हो इस प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है. जैसे कि आप लोग ने देखा, ये बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाता है, बहुत ही नेचुरल कवर देता है. इसमें आपको 6 शेड मिल जाते हैं, क्योंकि ये बीबी सी क्रीम में इतने शेड्स अवेलेबल नहीं होते, बट इसमें आपको स्किन शेड्स भी अवेलेबल है, आपके हिसाब से चूज कर सकते हो. इसका लिंक है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके चेक कर सकते हो, परचेस कर सकते हो. एंड दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस. आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा. अगर लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना विद बेल बटन, ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोस को मिस ना कर सको. एंड या विल बी पैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो. टिल देन स्टे गॉर्जियस एंड रिमेंबर आई लव यू गाइस सो मच. सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइस.